लीक होगा तो भाई आपको पता है प्रेशर वाली गाड़ी में कितनी मुश्किल होती है। हवा निकल रही, हवा देखो, तो ये फायदा आपको इससे, प्रेशर भी लीक नहीं होगा। और जब आप ऑन करना चाहो तब आप ऑन, जब आपने गन चलानी हो ऑन किया और सीधा गन चल पड़ी भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है बिल्लो के अंदर लगी है एयर गन, बोले तो गन नहीं भाई, मतलब गन टाइप की है जो हवा मारने वाली गन होती है, ठीक है। तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई ये आपने इसका कनेक्शन कहाँ दिया है और कैसे लगाते हैं आपने, इसकी इसकी सेटिंग कैसे की हुई है भाई, सब कुछ बताओ। तो जिनके पास है आयशर की गाड़ी, आयशर प्रो ट्रक, तो भाई मैंने ली थी ये 500 रुपये की, ठीक है। तो बंदों का अपना अपना रेट होता भाई, जो पहले वाली मैंने ली थी वो मैंने 300 की ली थी। तो जितने भाई हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, जितने की देगा उतने की लो। और बाकी लगाने का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ और क्यों जहाँ मैंने लगाई है वहाँ क्यों लगानी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके घाटे क्या होते हैं और इसको हर कहीं पर नहीं लगाते हैं, तो ड्राइवरों को खुद ध्यान रखना भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखना है, क्योंकि कोई भी काम कराओ ना दोस्तों, खुद को पहले नॉलेज होना चाहिए, प्रॉब्लम आती है भी मैं बताऊँगा। तो आप लोगों की कमेंट की फरमाइश पे है भाई ये, तो आगे भी कमेंट करना कि आपको किस टाइप का ब्लॉग चाहिए। तो भाई ये जो एयर गन है ना, इसको मैंने बहुत साफ सफाई से निकाला हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ना एक होल है, ठीक है, हर आयशर प्रो गाड़ी में होगा यहाँ पर होल, तो ये चीज़ देखनी है आपने। तो इसको मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर जो ये है ना कनेक्शन हमारे, यहाँ होते दो कनेक्शन, हमेशा भी पीटीओ गियर का कनेक्शन यहाँ पर होता है, इसको ऐसे दबा के ऐसे को हमारा पीटीओ गियर लगता, ठीक है। तो इस बटन को खाली रहता ये, तो मैंने पीटीओ जो गियर है वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको दबा के मेरी लिफ्ट निकलती है, ठीक है, उठती है मतलब ऊपर को। तो जो पीटीओ गियर का प्रेशर है वो मैंने यहाँ से दिया है और यहाँ से दिया मैंने एयर गन का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेप है आप देख सकते हैं, एक स्टेप और दो स्टेप, इसलिए मैंने यहाँ मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये जो दो स्टेप है ना इससे हवा ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर यहाँ सिंगल कनेक्शन में लगाएंगे ना दोस्तों, अगर इस वाले रेड वाले सिंगल कनेक्शन में लगाएंगे तो हवा प्रॉपर नहीं आएगी भाई, मतलब ज़्यादा नहीं आएगी, आएगी तो आएगी। तो इसलिए मैंने भाई यहाँ देखो एक स्टेप है, ठीक है, और यहाँ पर दो स्टेप है, तो यहाँ पर ज़्यादा हवा आएगी और इसको मैं आपको चला के भी बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों बताता हूँ इसको कि लगाना कैसे है, ठीक है। तो भाई अंदर तो फ़ोन जाएगा नहीं भाई, अंदर तो फ़ोन जाएगा नहीं, बंदों को पता होगा यहाँ होते दो कनेक्शन, ठीक है, दो कनेक्शन है यहाँ पर। तो जो ये पाइप बड़ा कनेक्शन है इसको मैं निकाल के बताता हूँ जरा आपको, देखते हैं आप। तो ये जो ब्लू पाइप है ये गन की है, ठीक है। तो अंदर होल से आप देखते सीधे सीधे इसको अंदर से निकाला हुआ मैंने, तो इसके आगे अब ब्लैक जो पाइप लगी है, क्योंकि जो यहाँ पर होल है लॉक जो है वो है ब्लैक पाइप के बराबर का, ठीक है। तो इसमें हमने कपड़ा लगा के फेविक्विक लगा के एकदम पक्का काम कर दिया। और अब ये टुकड़ा कहाँ से लाना आपको, ये टुकड़ा लाना आप लोगों को जो यहाँ पर पहले से पाइप लगी है उससे हल्का सा टुकड़ा काटना है, ठीक है। तो फिर उस पाइप को वापस वहाँ जोड़ देना है और जो हमारा टुकड़ा है उसको जोड़ देना अपने इस ब्लू पाइप में, ठीक है, जो गन वाली पाइप है। तो इस पाइप से फिर, क्योंकि होल की जो जगह है ना यहाँ की भी, वो इस पाइप के बराबर, फिर इस पाइप को डाल देना है। बहुत ईजी है दोस्तों, ढंग से समझना है, ठीक है। समझना आपने कि कैसे क्या बताया मैंने, जो यहाँ पर पहले से ही पीटीओ की पाइप लगी होगी इस वाली जगह पे, वो निकालनी है, उसका इतना कर पीस काटना है, उस पीस को साइड रख देना है, ठीक है। तो फिर जो यहाँ लगी हुई पाइप है उसको यहाँ वाले होल में लगाना है, यहाँ से आपने पीटीओ का कनेक्शन देना है, ठीक है। और फिर जो वो टुकड़ा बचा होगा आपका, उस टुकड़े को आपने जो एयर गन की ये जो पाइप है इसमें लगाना है, फेविक्विक लगा के, कपड़ा या मिट्टी वगैरह लगा के, फिर फेविक्विक लगा के बढ़िया लगाना है। फिर ये होल की जगह है इस पाइप की, तो ये आप देख सकते जॉइंट बन गया बढ़िया, ठीक है। तो फिर इसको यहाँ लगाना है, अब मैं इसको लगा के बताऊँगा आपको। तो अभी लगाता हूँ फिर बताता हूँ हवा का प्रेशर कैसा क्या है। तो ये सारी कहानी, तो इस पाइप के साथ मिलेगी आपको एक प्लास्टिक की टी होती है इतनी कर, ठीक है। तो उसमें जो आपका उस टी में होता है ऐसा कि
जो उसका एक साइड का होल होगा होगा इतना और एक साइड का होल होगा उसमें 17 इंच या कुछ बड़ा होता है, ठीक है। तो बंदे पता क्या करते हैं, बंदे करते हैं ऐसा कि जो ये पाइप आप दिख रही है प्लास्टिक की, ये जो प्रेशर पाइप है ये वाली, ठीक है। तो इस पाइप में बंदे इस पाइप को काट देते हैं, काट देते हैं और फिर लगा देते हैं, एक एक में डालते हैं इसको, एक में डाल देते हैं दूसरी पाइप को, तीन होल होता है उसमें, दो में जाएगी ये जैसे इधर और इधर होगा ये बड़ा वाला होल, और जो बीच में तीसरा होल होगा वो होगा आपका जो अपना अंदर हमारा ये एयर गन की पाइप है इतना। तो उससे पता घाटा क्या है, घाटे वाली बात करता मैं पहले। तो अब दोस्तों उससे होगा ऐसा कि जैसे दो होल तो मैंने आपको बता दिया, तीन होल होंगे, एक इधर एक इस साइड, तो उसमें हम दोनों होल में लगेगी ये जो पाइप हमने जो काटी है, ठीक है। तो फिर एक तीसरा जो होल होगा सेंटर में उसमें लगेगी ये वाली पाइप, ठीक है। तो उससे क्या घाटा होगा कि प्लास्टिक की टी होती हो उससे भाई प्रेशर लीक हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर लीक होगा तो भाई आपको पता है प्रेशर वाली गाड़ी में कितनी मुश्किल होती है, तो प्रेशर का लीक होना भाई अच्छा नहीं होता। और मतलब कई बार गाड़ी गुड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है तो प्रेशर का थोड़ा पंगा रहता है। दो मिनट के लिए आप गाड़ी बंद करके चले गए हैं जी कहीं, 5 मिनट बाद आते हैं आप फिर से प्रेशर बढ़ाओ, गाड़ी हिलेगी नहीं, प्रेशर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, फिर वो चीज़ सही नहीं होती है। अब जो भी बंदे भाई मतलब बड़ी गाड़ी चलाते एयर ब्रेक जो भी है तो भाई उनको तो पता है कि इससे क्या घाटा होगा, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है अब ये सुनो, ठीक है। घाटा तो मैंने आपको बता दिया कि उस टी को लगा कैसा होता है, और जो मेरा जुगाड़ है मेरे वाले जुगाड़ से क्या फायदा आपको, जो मेरा जुगाड़ है तो दोस्तों इससे आपको ये फायदा है कि जब तक आप इसको यहाँ से ऑन नहीं करोगे तब तक ये प्रेशर नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ये ऑन है, एक तो स्टेप वन, स्टेप टू है, ठीक है। तो हवा निकल रही, हवा देखो दूर तो नहीं अभी क्योंकि मैं डेली शाम को साफ करता हूँ, तो देखते अब पूरी हवा हवा है ना, देख लो ठीक है। वो देखो परे, देखो परे, देखो पूरा प्रेशर है, ठीक है। तो अब मैंने इसको लॉक को निकाल दिया भाई, ठीक है, अब कोई हवा नहीं आ रही है, लो देख सकते हैं आप आ रही हवा, और जो ये लॉक मैंने निकाला हुआ है जैसे अब हवा नहीं है, देखो लो, ठीक है ना। तो अब समझना क्या आपने कि इससे प्रेशर लीक ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो लॉक है जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे, प्रेशर ऑन किया प्रेशर आया, ऑफ किया प्रेशर नहीं है, देख सकते आप, ठीक है। तो इससे क्या फायदा आपको कि प्रेशर भी लीक नहीं होगा भाई, फायदा आपको इससे प्रेशर भी लीक नहीं होगा, और जब आप ऑन करना चाहो तब आप ऑन, जब आपने गन चलानी हो ऑन किया और सीधा गन चल पड़ी भाई, ठीक है। तो घाटा देख लो कितना बड़ा घाटा इससे, अगर आप उस टी को लगाते हैं तो बहुत बड़ा घाटा है। ये सिर्फ सजेशन में दे रहा हूँ भाई, आज सिर्फ प्रो गाड़ी इंजन के वहाँ है, क्योंकि प्रो गाड़ी में मैंने लगाई है, बाकी गाड़ी में मैंने लगाई भी नहीं है, तो बाकी गाड़ी को मैं बोलता भी नहीं हूँ भाई किस तरह से लगानी क्या है, क्योंकि भाई जितना पता है ना भाई उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा नहीं बताना है। तो मेरे को जितना पता था दोस्तों मैंने बता दिया आपको, तो इस जगह पे मेरे को बेस्ट रहता है, जगह की बेस्ट बात यही है कि देखो आप पीटीओ गियर होगा यहाँ से ऑन, पीटीओ गियर ऑफ, और यहाँ से जब तक आप प्रेशर ऑन नहीं करोगे तब तक हवा नहीं जाएगी, और प्रेशर की लीकेज की आपको कोई टेंशन ही नहीं रही, ठीक है। तो ये फायदा था दोस्तों इसका। तो भाई जिस जिसको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल करना है सब्सक्राइब, और वीडियो को दबा के शेयर करो दोस्तों। और अगला ब्लॉग आपको कौन सा चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सफाई बनाए रखो, बाय बाय, जय हिंद एंड जय माता दी।